नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल सरकारी मंत्रा में। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से लेकर के आया हूँ एक बहुत बड़ी जॉब अपडेट। और यहाँ पे मैं आज बात करने वाला हूँ चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में जो भर्ती निकली है उसके बारे में। यहाँ पे जो है नर्स बनने का सुनहरा मौका है और ICU में टेक्नीशियन बनने का भी सुनहरा मौका है। और वेतन जो होगा इसमें 60,500 रुपये यहाँ पे मिलेगा और सरकारी नौकरी है। और यहाँ पे जो है DME आसाम रिक्रूटमेंट के थ्रू ये निकाला गया है। 609 स्टाफ नर्स के पोस्टों पे यहाँ पे आवेदन किया जाएगा। और यहाँ पे जो है ICU टेक्नीशियन का भी पद इसमें एड ऑन होगा। और इसमें अंतिम तिथि जो है 15 जुलाई 2020 को रखी गई है। कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी इसमें। फ्री ऑफ कॉस्ट आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सरकारी मंत्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब वाले बटन को ज़रूर दबा दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि जैसे ही आपको कोई भी अपडेट आपको सरकारी नौकरी संबंधित आती है मैं डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए बात करते हैं संपूर्ण जानकारी की। इसकी जो है और यहाँ पे जो है स्टाफ नर्स में क्रिटिकल केयर के लिए BSc नर्सिंग में पास आउट होना चाहिए और 14,000 से 60,500 रुपये तक यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। 484 पोस्टों के लिए यहाँ पे आवेदन किया जाएगा नर्स के लिए और 125 पोस्टों के लिए आवेदन किया जाएगा ICU टेक्नीशियन के लिए। जनरल के लिए 194 पोस्ट हैं और OBC के लिए जो है 121 पोस्ट हैं आपके स्टाफ नर्स में और 50 पोस्ट हैं आपके ICU टेक्नीशियन में और OBC के लिए जो है 31 पोस्ट हैं। SC ST सभी का डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और 30 जून से इसकी आवेदन प्रक्रिया जो है आपको शुरू हो जाएगी। क्वालिफिकेशन है BSc नर्सिंग होना चाहिए और ICU टेक्नीशियन के लिए ICU में जो है डिप्लोमा होना चाहिए आपका। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसकी PDF और अप्लाई लिंक दोनों आप लोग वहां से डायरेक्टली जाके डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट जो है यहां पे 38 ईयर्स यहां पे रखी गई है एज क्राइटेरिया उनकी और जो 1 जनवरी 2020 के पे जो है काउंटिंग होगी। और गवर्नमेंट के हिसाब से जो है आपके रूल रेगुलेशन के जो होगा उसका उसके अनुसार आपको एज में रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। और ऐसे ही वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो धन्यवाद।